दोस्तों, अभी आप जिस फोन या पीसी पर ये वीडियो दिख रहे हैं, उसको बनाने में न जाने कितने जीनियस लोगों का हाथ है। और कैसे हमारी इमेजिनेशन से हम सिंपल काउंटिंग फ्रेम अबेकस से आज के एडवांस स्मार्टफोन या पीसी तक पहुंचे, और इस बीच क्या क्या हुआ वो सभी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अबेकस, जिसे काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं, यह लगभग 500 BC में इन्वेंट किया गया था। यह एक सिंपल टूल था जिससे कि सिंपल सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते थे। आज भी इसका प्रयोग बच्चों को अरिथमेटिक पढ़ाने में किया जाता है। लगभग 17वीं सेंचुरी तक यही एक मशीन थी जो फास्टेस्ट कैलकुलेशन कर सकती थी। ब्लेज पास्कल, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, और उनके फादर, जो एक टैक्स ऑफिसर थे, तो अपने फादर के कैलकुलेशन में हेल्प करने के लिए 1642 में मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया जिसे पास्कलिन कहा गया। यह कैलकुलेटर गियर बेस्ड था जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। पास्कल के कैलकुलेटर को इम्प्रूव करते हुए 1671 में जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज ने कैलकुलेटर बनाया जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट कर सकता था। लगभग अगले 300 सालों तक इसी कैलकुलेटर का प्रयोग किया गया। साथ ही लेबनीज ने ही हमें बाइनरी कोड्स के बारे में बताया कि हम किसी भी नंबर को केवल 2 डिजिट 0 और 1 के रिपीटेशन द्वारा डिनोट कर सकते हैं। अभी तक की जो मशीनें थी वो केवल कैलकुलेशन के लिए थी, यानी कि कैलकुलेटर से। रियल कंप्यूटर्स की शुरुआत होती है चार्ल्स बेबेज से, जिनकी कंप्यूटर की सोच कुछ आज के कंप्यूटर के जैसे थी, जिन्होंने कंप्यूटर को एक सही डायरेक्शन दी, इसलिए उन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। चार्ल्स बेबेज अपने कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन को पूरा नहीं बना पाए क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें फंडिंग करना बंद कर दिया था। मैथमेटिशियन ऑगस्टा एडन ने बेबेज की मशीन को प्रोग्रामेबल बनाने के बारे में अपनी एक नोटबुक में लिखा था, इसलिए उन्हें वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है। बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की। बेबेज के कंसेप्ट को यूज करके मैथमेटिशियन हॉवर्ड एकन द्वारा 1944 में पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया, जिसे IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर ASCC या मार्क 1 के नाम से जाना जाता है। यह कंप्यूटर बहुत बड़ा था, इसकी लंबाई करीब 15 मीटर और वजन करीब 5 टन था। इस कंप्यूटर का प्रयोग वर्ल्ड वॉर 2 के समय किया गया था। जॉन वॉन न्यूमैन ने सबसे पहले इस कंप्यूटर पर प्रोग्राम रन किया था। 1946 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के साइंटिस्ट जॉन मॉकली और इकर्ट ने पहला सक्सेसफुल डिजिटल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था ENIAC, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यह मशीन वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड थी जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। यह कंप्यूटर आज के लैपटॉप से करीब 2000 गुना इलेक्ट्रिसिटी यूज करता था। इसकी लंबाई करीब 24 मीटर थी और वजन करीब 30 टन था। मॉकली और इकर्ट ने हंगेरियन मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन के कंप्यूटर वर्क को यूज करके 1951 में यूनिवर्सल ऑटोमेटिक 1 यानी यूनिवैक 1 कंप्यूटर बनाया। यह पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन द्वारा खरीदा गया, जैसे US सेंसस ब्यूरो ने पॉपुलेशन काउंट करने के लिए इसी कंप्यूटर का यूज किया था। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की। अभी तक की सभी कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करती थी, जिनसे कि बहुत सी प्रॉब्लम जैसे हीटिंग प्रॉब्लम, साथ ही कंप्यूटर बहुत बड़े और भारी हो जा रहे थे। आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिला? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब मिला जब बेल टेलीफोन लैब्स के 3 फिजिसिस्ट जॉन बार्डिन, वॉल्टर ब्रेटन और विलियम स्टॉकली अमेरिकन टेलीफोन सिस्टम के लिए एक एम्पलीफायर बनाना चाहते थे जो टेलीफोन सिग्नल्स को ज्यादा दूरी तक ले जा सके, जिसके लिए उन्होंने सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करके ट्रांजिस्टर बनाया। वैक्यूम ट्यूब के जैसे ही ट्रांजिस्टर को भी स्विच और एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग किया जा सकता था। साथ ही ट्रांजिस्टर साइज में बहुत छोटे और बहुत ही कम एनर्जी यूज करते थे, यानी ट्रांजिस्टर वो चीज थी जो कंप्यूटर्स को पूरी तरह से चेंज करने वाली थी। और इसलिए फिजिसिस्ट जॉन वॉल्टर और विलियम को 1956 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंस प्राइज यानी नोबेल प्राइज मिला। अब कंप्यूटर्स छोटे, हल्के और तेज हो गए थे और इनकी परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले बहुत ही तेज थी, और साथ ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्टॉन और कोबल का यूज स्टार्ट हो गया था। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की शुरुआत होती है 1964 में TS किल्बी द्वारा, जिन्होंने सभी ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल सेमीकंडक्टर चिप में डालने का कंसेप्ट दिया और इसे इंटीग्रेटेड सर्किट या IC कहा गया, जिससे कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया और साथ ही कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज हो गई। अब पंच्ड कार्ड और प्रिंट आउट की जगह कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। अब कंप्यूटर कुछ ऐसे ही दिखने लग गए थे जैसे कि हम आजकल देखते हैं, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा था।
यानी हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट्स को केवल एक सिंगल चिप में बनाया जाने लगा। इसी समय इंटेल ने अपना फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 बनाया, जो 1940s में पूरे एक रूम की जगह लेता था, वो अब आसानी से आपके हाथ की हथेली में आ सकता था। तभी 1973 में मोटोरोला के दो साइंटिस्ट जॉन एफ मिचेल और मार्टिन कूपर ने फर्स्ट मोबाइल फोन बनाया, जिसका वजन करीब 2 किलो था। अब कंप्यूटर का निर्माण पर्सनल यूज के लिए भी किया जाने लगा। 1981 में फर्स्ट IBM बनाया गया, जिसे घर में इस्तेमाल कर सकते थे। इसकी मेमोरी मात्र 256 KB थी। और फिर 1986 में एप्पल कंपनी द्वारा मैकिंटोश PC लॉन्च किया गया। अब माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कंप्यूटर के साथ साथ डेली यूज में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी किया जाने लगा। इसी बीच माउस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस का भी यूज किया जाने लगा। लेकिन इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में क्रांति तब आई जब टिम बर्नर्स-ली ने सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का कंसेप्ट दिया और 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट का आविष्कार किया। अब वो वक्त आ गया था जब इंटरनेट और कंप्यूटर्स की दुनिया में फास्टेस्ट प्रोग्रेस होने लग गई। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आने लग गए, जैसे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, वो भी कम प्राइस पर। इंटरनेट पर गूगल सर्च, फेसबुक, यूट्यूब जैसी वेबसाइट आ गई और एप्पल ने अपना पहला आईफोन 2007 में लॉन्च कर दिया और गूगल ने एंड्रॉयड OS का फर्स्ट वर्जन 2008 में रिलीज कर दिया था। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। पिछले 10 सालों में हम कहां पहुंच गए, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। फर्स्ट आईफोन जो 2007 में लॉन्च हुआ था, उसकी कीमत करीब 30,000 रुपये थी और जिसमें केवल 128 MB की रैम थी। अब कंप्यूटर का नया दौर आ गया है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी कंप्यूटर ह्यूमंस के जैसे काम करने लग गए हैं, जैसे रोबोट्स, सॉफ्टवेयर जो कि ह्यूमन की तरह काम कर सकते हैं और सोच सकते हैं। जैसे आपके फ़ोन में वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का फीचर, जो एक AI का एग्जांपल है। जैसे फेसबुक फोटो अपलोड करते वक्त फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, या आपको कहीं जाना हो तो गूगल मैप AI का यूज़ करके आपके लिए शॉर्टेस्ट वे ढूंढ लेता है। AI अभी भी डेवलपमेंट में है और इसका इस्तेमाल एक्सट्रीमली रूप से बढ़ा है।